दैनिक सेज समाचार की हिमाचल टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए। जानकारी के अनुसार रोहडू की सीमा के समीप रामपुर की कार अनियंत्रित होकर पब्बर नदी में गिर गई। हादसे के समय 5 युवक कार में सवार होकर थाना चिड़गांव से शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। सेब उत्पादक संघ हिमाचल प्रदेश ने सरकार के सेब पैकिंग के लिए लगाई 24 किलो की शर्त को खारिज कर दिया है। संघ ने आरोप लगाया कि आढ़तियों और व्यापारियों के दबाव में सरकार ने शर्त लगाई है। सेब उत्पादक संघ ने 10 दिन के भीतर सेब पैकिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा उनका घर है और घर में कभी प्रवास नहीं होता। कांगड़ा को कैसे विकास की पटरी पर आगे ले कर जाएं, इस दिशा में काम करने के लिए वे कांगड़ा आए हैं और 2 दिन तक यहां तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके रिव्यू करने का प्रयास करेंगे कि कैसे कांगड़ा को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाए। डिजिटल बाल मेला की पहल बच्चों की सरकार कैसी हो में कौन बनेगा करोड़पति का हिस्सा रहे 11 वर्षीय अरुण देव शर्मा ने अपनी एंट्री भेजी है। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले अरुण देव ने अपनी एंट्री में बताया कि वे बच्चों की सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनने पर विशेष बच्चों के लिए सभी सुविधाओं से लैस आश्रम खुलवाएंगे। औद्योगिक और गैर मादक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में समिति के अध्यक्ष बागवानी राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी भी अन्य सदस्य शामिल हुए। 9 दिवसीय दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांगड़ा के विकास को लेकर 2 दिन तक तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करी। वहीं उन्होंने कहा अगले 10 साल में हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। जिला कुल्लू के बजौरा में एक HRTC बस और नैनो कार में जोरदार टक्कर हो गई। सड़क दुर्घटना में कार सवार युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। मृतक के शव का ढालपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कारोबारी अब तय मार्जिन से ज्यादा दाम पर अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा तय मात्रा से ज्यादा अनाज या खाद्यान्न का स्टॉक खरीदने या रखने के लिए भी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में फिर से मार्जिन प्रॉफिट एवं होर्डिंग एक्ट 1970 लागू कर दिया है। कारोबारियों के अनुसार इस एक्ट को लागू करने में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। RBI ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया। RBI ने लोगों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच 2000 रुपए का नोट बदलने या जमा करने के लिए समय दिया। इस दौरान 2000 का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा। मंगलवार को पहले दिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बैंकों में 2000 रुपए के नोट को बदलवाने के लिए सुबह के समय बहुत अधिक भीड़ रही। बैंकों में ना ही अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है। कीरतपुर मनाली फोरलेन निर्माण के मलबे को गोविंद सागर झील में ठिकाने लगाने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया। अदालत ने झील में किसी भी तरह की डंपिंग करने पर तत्काल रोक लगा दिया। अदालत ने सचिव वन सहित NHIC को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। ये थी आज की हिमाचल टॉप 10 खबरें। बने रही दैनिक सेज समाचार के साथ। नमस्कार। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे।